परम देव श्री महागणेश के अवतार पहुंचकर श्री गणेश, मैं तो यहाँ आपका मनोरंजन करने के उद्देश्य से ही प्रकट हुआ था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस एकांत वन प्रदेश में आपको अकेलापन कितना खलता होगा। ये क्या कर रही हो दीदी? देवर्षि, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? हाँ महोत्कट, अर्थात दैत्य माता दिति महर्षि कश्यप को कश्यप आश्रम ले जाने में सफल हो ही गई। अब क्या होगा महोत्कट? होगा वही देवर्षि जो श्री महागणेश की इच्छा होगी। पहचानता तो मैं आपको पहले से ही था देवर्षि। यदि आप मनोरंजन करने के उद्देश्य से आए हैं, तो इधर उधर की बातों पर ध्यान क्यों देने लगे? चलो हम गिल्ली डंडा खेलते हैं। दुष्ट आदिति, मैं जानती हूँ तूने मुझसे स्वामी को साथ ले जाने के लिए ही ये प्रतिशोध लिया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जिस प्रकार तूने मुझे आहत किया है, उसी प्रकार मैं भी तुझे आहत करके रहूंगी। गंग 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 गंग, नारायण नारायण। मोहकट, न जाने ये कैसा संयोग है कि जब हम गिल्ली डंडा खेलते हैं, तब दैत्य माता दीति यहाँ प्रकट हो जाती हैं। ब्रह्म कुमार, इसे तुम परम देव श्री महागणेश की इच्छा ही समझ लो। ये क्या कर रही हो दीदी? ये तो असुरों की आराधना का स्वर है। मुझे सूचित किए बिना वो कौन असुर है जो शिव आराधना कर रहे हैं? पाताल लोक से पृथ्वी लोक आ गए और तुमने मुझे सूचित करना भी उचित नहीं समझा। मैं जानती हूँ इस समय तुम दोनों तपस्या में लीन हो। मैं तुम्हारी तपस्या में बाधा नहीं डालना चाहती। तुम्हारी सफलता ही दैत्य जाति की सफलता का कारण बनेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। परम देव श्री महागणेश की भविष्यवाणी का स्मरण करें अदिति कुमार। ये वही देवांतक और नरांतक है जिनका वध आपको करना है। नारायण नारायण। मुझे स्मरण करवाने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि। समय आने पर वही होगा जो परम देव श्री महागणेश की इच्छा और विधि का विधान होगा। शुक्राचार्य की आज्ञा पाकर देवांतक और निरांतक में
भगवान शिव को प्रसन्न करने का संकल्प किया। नारद ने कश्यप व अदिति को दिति की ओर से सावधान किया। चिंतित अदिति को कश्यप ने महागणेश पर विश्वास रखने का परामर्श दिया। पार्वती पुत्र श्री गणेश हिमालय महल में निद्रा मग्न है। महारानी शीघ्र चलो, हमारे प्रिय गणेश को भूख लगी होगी। हमारा प्रिय गणेश कहाँ गया? क्या बात है, तुम दोनों मुस्कुरा क्यों रही हो? महारानी, गौरी पुत्र गणेश बहुत नटखट और चतुर हैं। कभी कभी वो सामने होने पर भी दिखाई नहीं देते। हाँ महारानी, भली भांति देख लीजिए, वे हमें यही कहीं मिल जाएंगे। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि हमारा प्रिय गणेश यही कहीं आसपास है। तुम दोनों भी अपने अपने थाल रखकर हमारे प्रिय गणेश को ढूंढो। जी, हमारे प्रिय गणेश को अपने नाना नानी से हास्य विनोद करना बहुत ही प्रिय लगता है। क्यों ना हम पार्वती को जगाकर ही पूछ लें? इसे तो अवश्य पता होगा कि हमारे प्रिय गणेश कहाँ हैं। नहीं नहीं महारानी, पार्वती को जगाना उचित नहीं, हम स्वयं ही जाकर अपने प्रिय गणेश को ढूंढते हैं। चलिए महाराज, आइए। प्रिय गणेश, गणेश, प्रिय गणेश, तुम कहाँ हो? प्रिय गणेश, प्रिय गणेश, हमारा प्रिय गणेश गया कहाँ? पता नहीं। चलिए। प्रिय गणेश, प्रिय गणेश, कहाँ हो तुम? प्रिय गणेश, कहाँ हो तुम? प्रिय गणेश, प्रिय गणेश, गणपतये नमः। माताश्री उठिए, मुझे बहुत भूख लगी है। इतने बड़े हिमालय राज के महल में मुझे खाने के लिए कोई भी नहीं पूछता। उठो माँ, भूख के मारे मैं तड़प रहा हूँ। उठो माँ, उठो, अपने बालक की भूख का ध्यान माता के अतिरिक्त और कौन रख सकता है? आओ महाराज। प्रणाम माताश्री, प्रणाम माताश्री। जया, क्या तुम मोदकों के खाली पात्र यहीं छोड़कर चली गई थी? पुत्र गणेश को भूख लगी है, जाओ थाल को भर कर ले आओ। पुत्री पार्वती, ये सारे के सारे थाल मोदकों से भरे हुए थे, देखते ही देखते रिक्त हो गए। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे आसपास कैलाश से आए हुए अदृश्य भूत प्रेत मंडरा रहे हैं, जो बार बार मोदकों को खा जाते हैं। नहीं पिताश्री, मेरे साथ कैलाश से कोई भूत प्रेत नहीं आए। तुम्हें कुछ भ्रम होगा पुत्री। भ्रम नहीं पिताश्री, यदि वे यहाँ आए होते तो मेरी दृष्टि से बच नहीं सकते थे। माताश्री, दासियों को मोदक लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? लीजिए गजानन महाराज, मोदकों का प्रसाद ग्रहण कीजिए। माता, आपकी इस प्रिय दासी के वचनों से ऐसा लग रहा है मानो ये मुझ पर कोई उपकार कर रही है। मुझे किसी का उपकार नहीं चाहिए माता। प्रिय गणेश, तुम दासी की बात को अन्यथा ना लो। हम सब तुमसे विनती करते हैं कि मोदकों का प्रसाद ग्रहण करो।
और यदि तुमने ऐसा किया तो ये हम सब पर बहुत बड़ा उपकार होगा। माता, नाना श्री मेरे पूज्य हैं, इनकी आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य है, परंतु इनकी बातों से मेरे प्रति व्यंग झलक रहा है। क्या इन पर उपकार करके मैं प्रसन्न हो सकता हूँ? अप्रिय गणेश को तुम ही मना कर खिलाओ पार्वती, ये कठिन कार्य हमारे वश में तो नहीं है। चलो महारानी। बातें ना बनाकर यदि शांति से मोदक खा लेते तो क्या अनुचित हो जाता? देखो नाना नानी कितने दुखी होकर चले गए। चलो अब खा लो ये मोदक। मुझे भूख नहीं है माता, अब मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। पार्वती पुत्र श्री गणेश, अदिति पुत्र श्री महोत्कट और श्री मयूरेश्वर, ये सभी श्री महागणेश की कल्याणकारी लीला के पात्र हैं। उनकी इच्छा के अनुसार ही अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। श्री महागणेश की लीला का रहस्य खोजना हर एक के लिए असंभव है। इसी प्रश्न के उत्तर को खोजने में देवर्षि नारद स्वयं ही उलझ गए। इसी उलझन के साथ आज वे स्वयं से बातें करते चले जा रहे हैं। तीन ही नारद से कौन सा अपराध हुआ है कि परमदेव श्री महागणेश ने अपने दर्शन देना ही बंद कर दिया है? हे परमदेव, हे परमदेव, मुझे अपने परम पावन दर्शन दे प्रभु। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें और मुझे दर्शन दे। हे विश्व वरदाय, मुझे दर्शन दे। नारद। नारायण नारायण। हे परमदेव, ये कैसा चमत्कार है? आपके आवाहन पर परमपिता ब्रह्मदेव के दर्शन। प्रणाम परमपिता। हे परमपिता, क्या आपके इस मानस पुत्र से कोई भूल हुई है जो आप इस प्रकार उपेक्षा भरी दृष्टि से मुझे देख रहे हैं? तुम क्या समझते हो नारद, हमें तुम्हारी गतिविधियों का ध्यान नहीं? तुम्हारा परम देव श्री महागणेश को बार बार पुकारने का उद्देश्य भी हम भली भांति जानते हैं। नारायण नारायण। परमपिता, आप विधाता हैं, सर्वशक्तिमान हैं, त्रिदेवों में प्रथम हैं। आपके बारे में ना तो मुझे कोई भ्रम है और ना ही कोई संदेह। आपको इस संसार के हर रहस्य का ज्ञान होना ये तो स्वाभाविक है प्रभु, किंतु आप मुझे इतनी उपेक्षा भरी दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? नारद, जब पुत्र अपने पिता को लंबे समय तक मुंह ना दिखाए, अपने शंका के समाधान के लिए श्री महागणेश को बार बार कष्ट दे, तो उसे उसकी भूल का ज्ञान कराना क्या पिता का कर्तव्य नहीं है? नारायण नारायण। हे परमपिता, अवश्य ही आपकी सेवा में उपस्थित ना होकर मैंने भयंकर भूल की है, किंतु आप दया निधान हैं, मेरी इस भूल को क्षमा करें। परमपिता, मेरी इस भूल को क्षमा करें। हम जानते हैं नारद, तुम श्री महागणेश के अवतारों की जिज्ञासा लेकर श्री महागणेश को पुकार रहे थे। तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। नारायण नारायण, आप धन्य हैं परमपिता। सुनो नारद, गौरीपुत्र श्री गणेश अपनी माता पार्वती के समीप हिमालय महल पहुंच चुके हैं। उधर अदिति पुत्र महोत्कट कश्यप अदिति को पुत्र सुख प्रदान कर रहे हैं। परमपिता, क्या मयूरेश्वर श्री महागणेश ज्योति में विलीन हो चुके हैं? नहीं नारद, कोई भी अवतार अपना कार्य पूर्ण किए बिना अपने मूल रूप में विलीन नहीं होता। मयूरेश्वर श्री गणेश को अभी कई महान कार्य करने हैं, वे उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, समय आने पर वे स्वयं प्रकट होंगे। नारायण नारायण। इस समय हम तुम्हें इतना संकेत अवश्य दे सकते हैं नारद कि पातालवासी देवांतक और नरांतक शुक्राचार्य की आज्ञा से पृथ्वी लोक जाकर शिव शंकर की आराधना के साथ तपस्या प्रारंभ कर चुके हैं। परमपिता, किंतु युगों पूर्व परम देव श्री महागणेश ने स्वयं भविष्यवाणी की थी
कि उनके अवतार महोत्कट श्री गणेश द्वारा देवांतक और नरांतक का संहार होगा। परम देव श्री महागणेश का कथन विधि का विधान और संसार का अटल सत्य है नारद, उस पर विश्वास करो और धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा? प्रतीक्षा ही तो नहीं होती है इस नारद से परमपिता। नारायण नारायण। क्या ये दोनों नहीं जानते कि इसी पर्वत प्रदेश के दूसरे भाग में देव माता अदिति का आश्रम है? नारायण 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 नारायण। आप इन तपस्वियों को पहचान रहे हैं देवगण? भले ही हमने इन्हें न पहचाना हो देवऋषि, परंतु हम इतना अवश्य जानते हैं कि ये तपस्वी नहीं असुर हैं। देवगण, असुर तपस्वी नहीं हो सकते, ये भ्रम आपके मन में किसने उत्पन्न कर दिया? देवऋषि, देवगणों, दैत्य जाति के इस लंबे इतिहास में अनेकों बार ऐसा हुआ है कि दैत्यों ने परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना करके मनवांछित वरदान प्राप्त किया है। क्षमा करें देवऋषि, परंतु ये दोनों दुष्ट असुर तो ब्रह्मदेव की नहीं भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। नारायण नारायण। देवगण, क्या आप इतना भी नहीं जानते कि भगवान शिव ही दैत्यों की आराध्य है? अपने आराध्य की आराधना करने में आश्चर्य कैसा? आश्चर्य तो नहीं है देवऋषि, परंतु अब ये निश्चित हो गया है कि ये दोनों असुर महादेव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करेंगे, फिर उनसे त्रिलोक विजय का वरदान प्राप्त करके स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। यही तो नारायण नारायण, यही तो दैत्य माता दिति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य चाहते हैं कि संपूर्ण दैत्य जाति इस संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करे। दानव जाति भला ये शुभ अवसर क्यों छोड़ेगी? नारायण नारायण। और तुम्हारे पुत्र महोत्कट की सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम नहीं जानती दीदी, तुम्हारा बदला हुआ रूप और स्वभाव देखकर हम सब कितने अधिक प्रसन्न हैं। सत्य तो यह है कि हमारे जीवन भर की आराधना सफल हो गई। श्री महागणेश की कृपा से अब हम दोनों बहने सौत नहीं सखी बन गई हैं। बहने होते हुए भी हमारे पिताश्री ने
हमें सौत बना दिया। इस सत्य को हम कभी नहीं बदल सकते अदिति। जो बीत गया उस पर दुख करके क्या लाभ दी थी? पिताश्री ने वही किया जो हमारी इच्छा थी। यदि हमारे बीच इसी प्रकार प्रेम भाव रहे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। अदिति, इसी प्रेम भाव की दुहाई देकर मैं तुमसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। यदि तुम आज्ञा दो तो निवेदन करो। अवश्य दीदी, तुम निवेदन नहीं आज्ञा करो। मैं जानती हूँ बहन, मेरा कथन सुनकर तुम्हें आघात लगेगा, इसीलिए कहने में संकोच कर रही हूँ। अपनी प्रसन्नता के लिए मेरी चिंता ना करो, निसंकोच कहो क्या कहना चाहती हो दीदी। अदिति, यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो तुम मुझे स्वामी को मेरे साथ ले जाने दो। स्वामी के बिना कश्यप आश्रम सूना पड़ा है। अवश्य सिखाऊंगी। मोहतकट और तुम्हारा स्नेह देखकर मन अति प्रसन्न हो गया है। वन मार्ग में भी मोहतकट निरंतर तुम्हारी ही चर्चा करता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहतकट को तुमसे बहुत अधिक स्नेह हो गया है। बच्चे तो भाव के भूखे होते हैं स्वामी, सच्चा प्रेम देखते ही उसी में रम जाते हैं। परंतु क्या कहो ना, क्या कहना चाहती हो? कहना नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ स्वामी। कैसी प्रार्थना? स्वामी, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरे साथ अपने सूने कश्यप आश्रम चलिए। मैं यहाँ यही निवेदन लेकर आई हूँ। तुम्हें किस बात का कष्ट है? जब तुम्हारे मन में अदिति के प्रति शत्रुता समाप्त हो गई है तो फिर स्थान परिवर्तन करने का अर्थ क्या है? उत्तम तो यही होगा कि हम सब मिलकर यही रहें। हाँ जेश माता, हमें यही रहना चाहिए। आपके यहाँ रहने से मुझे भी अकेलापन नहीं लगता। जेष्ठ माता, यदि आपका यह मन न लगता हो तो हम सब साथ साथ कश्यप आश्रम जाएंगे, क्यों पिताश्री? आओ पुत्र। दीदी के स्वभाव में परिवर्तन से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। परम देव श्री महागणेश की असीम अनुकंपा है। सब कुछ कितना अच्छा हो गया है ना देवी? हाँ स्वामी,
महतगढ़ के प्रति दीदी का स्नेह देखकर मुझे बहुत आनंद आता है। नारायण 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 नारायण। अवश्य ही भविष्य का संकेत है। गणपतये नमः। आज आप अकेली खेलने आ गए ब्रह्मा कुमार जी, हमारे दूसरे साथी कहाँ हैं? उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाए आप? नारायण नारायण। अदिति कुमार, आज उन मुनि कुमार के माता पिताओं ने उन्हें आश्रम में यज्ञ करने का आदेश दिया है, इसलिए मैं अकेला ही चला आया। मैंने कुछ अनुचित तो नहीं किया ना? नारायण नारायण, आप भला अनुचित कब करते हैं ब्रह्म कुमार जी? आपका हर कार्य उचित ही होता है। आप मुझसे परिहास तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, आपसे परिहास करके भला मैं अपना समय नष्ट क्यों करूं? नारायण नारायण, मैं कुछ समझा नहीं। नारायण नारायण, समझने की आवश्यकता भी नहीं है। इस समय तो मेरा मन खेलने को हो रहा है, परंतु बिना साथियों के हम खेलेंगे कैसे? कैसे अर्थात? हम और आप क्या खेल खेल सकते हैं? क्यों, क्या हम उस दिन के समान गिल्ली डंडे का खेल नहीं खेल सकते? मैं गिल्ली डंडा अपने साथ लेकर आया हूँ। क्या आपको मेरे साथ खेलना प्रिय नहीं? आप क्या सोचने लगे अदिति कुमार? कुछ नहीं, नारायण नारायण। देवर्षि, आप क्या समझते हैं कि मैंने आपको पहचाना नहीं? मैं जानता हूँ देवर्षि कि आप भी यह जानते हैं कि मैं कौन हूँ, और आपके यहाँ आने का उद्देश्य भी मैं जानता हूँ। कैसा उद्देश्य? नारायण नारायण देवर्षि, आज आप अपने साथ उन तीनों देवताओं को खेलने के लिए बालक बनाकर नहीं लाए, इसके पीछे भी आपकी योजना कार्य कर रही है। अब आप बता ही दे कि आपकी योजना और उद्देश्य क्या है। नारायण नारायण। परम देव श्री महागणेश के अवतार पहुंचकर श्री गणेश, मैं तो यहाँ आपका मनोरंजन करने के उद्देश्य से ही प्रकट हुआ था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस एकांत वन प्रदेश में आपको अकेलापन कितना खलता होगा। ये क्या कर रही हो दीदी? देवर्षि, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? हाँ मोहकट, अर्थात दैत्य माता दीदी महर्षि कश्यप को कश्यप आश्रम ले जाने में सफल हो ही गई। अब क्या होगा मोहकट? होगा वही देवर्षि जो श्री महागणेश की इच्छा होगी। पहचानता तो मैं आपको पहले से ही था देवर्षि। यदि आप मनोरंजन करने के उद्देश्य से आए हैं, तो इधर उधर की बातों पर ध्यान क्यों देने लगे? चलो हम गिल्ली डंडा खेलते हैं। दुष्ट अदिति, मैं जानती हूँ तूने मुझसे स्वामी को साथ ले जाने के लिए ही ये प्रतिशोध लिया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जिस प्रकार तूने मुझे आहत किया है, उसी प्रकार मैं भी तुझे आहत करके रहूंगी। गंग 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 गंग। नारायण नारायण। मोहकट, न जाने ये कैसा संयोग है कि जब हम गिल्ली डंडा खेलते हैं, तब दैत्य माता दीति यहाँ प्रकट हो जाती है। ब्रह्म कुमार, इसे तो परम देव श्री महागणेश की इच्छा ही समझ लो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
क्या कर रही हो दीदी? ये तो असुरों की आराधना का स्वर है। मुझे सूचित किए बिना वो कौन असुर है जो शिव आराधना कर रहे हैं? पाताल लोक से पृथ्वी लोक आ गए और तुमने मुझे सूचित करना भी उचित नहीं समझा। मैं जानती हूं इस समय तुम दोनों तपस्या में लीन हो। मैं तुम्हारी तपस्या में बाधा नहीं डालना चाहती। तुम्हारी सफलता ही दैत्य जाति की सफलता का कारण बनेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। परम देव श्री महागणेश की भविष्यवाणी का स्मरण करें अदिति कुमार। ये वही देवांतक और नरांतक है जिनका वध आपको करना है। नारायण नारायण। मुझे स्मरण करवाने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि। समय आने पर वही होगा जो परम देव श्री महागणेश की इच्छा और विधि का विधान होगा। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय किस कारण इतने व्याकुल हैं? नारायण नारायण। नहीं नहीं, इस समय कुमार के समीप जाना उचित नहीं होगा। यहीं रहकर उनकी प्रतीक्षा करनी होगी नारद। नारायण नारायण। बड़े भैया, ओम नमः शिवाय का पावन जाप करते करते अचानक क्या सोचने लगे बड़े भैया? मयूरेश्वर का स्वर। मयूरेश्वर, 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 तुम्हारा स्वर मेरे मन का भ्रम नहीं हो सकता। मयूरेश्वर कहाँ हो तुम? मयूरेश्वर, मयूरेश्वर कहाँ हो तुम? मयूरेश्वर, मयूरेश्वर तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? मयूरेश्वर कहो तुम? मयूरेश्वर, मयूरेश्वर। नारायण नारायण। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के हृदय में मयूरेश्वर श्री गणेश के दर्शनों की अभिलाषा चरम सीमा तक पहुंच गई है। उन्हें दर्शन दे मयूरेश्वर श्री गणेश, दर्शन दे। तुम मेरे साथ इस प्रकार परिहास क्यों कर रहे हो? शीघ्र मेरे समीप प्रकट हो मयूरेश्वर। मैं तो तुम्हारे हृदय में हूँ तो भाग कैसे दिखाई दूंगा? मेरे हृदय में? अर्थात तुम मेरे साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हो। मिचोली तो तब खेलता है जब मैं तुम्हारे समीप होता। मैं तो अदृश्य हूँ। मैं जानता हूँ मयूरेश्वर, तुम अदृश्य होकर भी दृश्यमान रहते हो। यह तो तुम्हारा स्नेह बोल
बोल रहा है भैया? स्नेह नहीं मयूरेश्वर, तुम्हारे स्वर का यहाँ उपस्थित होना इस बात का प्रमाण है कि तुम अदृश्य होते हुए भी दृश्यमान हो। बड़े भैया, यह तो प्रतिध्वनि के स्वरूप आप स्वर सुन रहे हैं। तो साक्षात प्रकट हो जाओ मयूरेश्वर, तुमसे मिलने के लिए मेरा मन कब से व्याकुल हो रहा है। तुमसे मिलने की व्याकुलता तो मेरे भीतर भी है बड़े भैया। तो अपनी व्याकुलता को विराम दो मयूरेश्वर और शीघ्र मेरे समीप प्रकट हो। कैसे प्रकट हो जाऊं भैया? मैं तो परम देव श्री महागणेश के मास स्वरूप में उपस्थित हूँ, उनकी इच्छा के बिना प्रकट नहीं हो सकता। हाँ, यदि वे स्वयं तुम्हारी प्रार्थना सुन ले तो भाई भाई का मिलन हो सकता है। परम देव श्री महागणेश को तुम्हें मेरे समीप भेजना ही होगा। मुझे विश्वास है कि विश्व को वरदान देने वाले विश्व वरदाई परम देव श्री महागणेश भाई भाई के मिलन की प्रार्थना को शीघ्र ही स्वीकार करेंगे। ओम श्री महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम विश्व वरदाय नमः, ओम श्री महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः। नारायण नारायण। हे परमदेव श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे प्रभु। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय आपके प्रिय अवतार मयूरेश्वर से मिलने को आतुर है। मयूरेश्वर को भेजे श्री महागणेश, मयूरेश्वर को भेजे, मेरी प्रार्थना सुने श्री महागणेश, मेरी प्रार्थना सुने और दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। श्री महागणेशाय नमः। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। ओ मयूरेश्वराय नमः। देवऋषि, भला आपकी पुकार परम देव श्री महागणेश अनसुनी कैसे कर सकते थे? इसी कारण हे मयूरेश्वर, यदि आप उस शैल पर्वत की गुफा के भीतर नहीं थे तो फिर आपका स्वर वहाँ कैसे सुनाई पड़ रहा था? देव ऋषि, वह स्वर मेरा नहीं था। अर्थात? अर्थात वह मैं नहीं, बड़े भैया कुमार कार्तिकेय का स्नेह बोल रहा था। नारायण नारायण, आप दोनों का दिव्य प्रेम आने वाले युग में इस संसार के सामने एक आदर्श स्थापित करेगा। अब आप विलम्ब ना करें मयूरेश्वर, कुमार की व्याकुलता का अंत करें। मैं परम देव श्री महागणेश की आज्ञा से उनके ही समीप जा रहा था। मार्ग में आपकी पुकार सुनाई पड़ी। अब मैं आपकी पुकार को अनसुनी तो नहीं कर सकता ना देव ऋषि? शीघ्र जाएं मयूरेश्वर, शीघ्र जाएं और कुमार की आतुरता का अंत करें। मुझे विश्वास है देव ऋषि, आप कैलाश पहुंचकर मेरे आने की सूचना शिवगणों तक अवश्य पहुंचा देंगे। जो आज्ञा मयूरेश्वर। ओम मयूरेश्वराय नमः।